पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी पर लगाया चुनिंदा वार्ड पार्षदों के साथ अनैतिक कार्य करने का आरोप, दिया आवेदन। बोध गया, बोध गया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा सिर्फ 3 वार्ड में ही गली नली का निविदा का प्रकाशन कराया गया है। 3 वार्ड शहरी क्षेत्र में है जहां नली गली की समस्या लगभग नहीं है। उक्त आरोप नगर परिषद के पूर्व अध्यक्षा बेलमंती देवी के साथ 12 अन्य वार्ड पार्षदों ने बिहार के मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, प्रधान सचिव, मगध प्रमंडल आयुक्त को आवेदन दिया है, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए लिखी गई है कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कुछ चुनिंदा वार्ड पार्षदों के साथ मिलकर आज भी चुनावी सत्र के दौरान अनैतिक कार्य कराई जा रही है। उन लोगों ने आवेदन में लिखा है कि मात्र 3 वार्ड में ही विशेष रूप से PCC और नाला निर्माण के लिए लगभग 1.5 करोड़ की प्रकलित राशि से बनाने की अनुमति दी गई है, जबकि इन वार्डों में लगभग इस योजनाओं की आवश्यकता नहीं थी। इस मामले को लेकर नगर परिषद बोधगया के पूर्व अध्यक्ष के साथ पार्षद अनीता देवी, ललिता देवी, दशरथ भुइयां, विनोद सिंह, मुन्ना यादव, सुमीरा गुप्ता, शत्रुघ्न पांडे, बिंदेश्वरी देवी, कुमारी प्रिया, मनोज कुमार ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि जिस तरह 3 वार्डों में योजना की राशि दी गई है उसी तरह सभी वार्डों में दी जाए।